मेरा बच्चा, इसको दर्द है अंदर। हाँ, इसको अभी वो लेके चलते हैं, इसकी आई पे लगेंगे, ठीक है। तो कांचा चीना बनना है तूने, है? इनको समझ नहीं है ना बातों की, देखो अभी भी पंगे लेने के लिए पीछे भागने की कोशिश कर रही है कि मैं बच्ची से किसी तरह पंगे लूं। इगोइस्टिक मेल, मेल इगो है इसमें। मेरे छोटा बच्चे को दर्द हुई, मेरे छोरे बाबा को, क्या बोला आपने? ओ तेरी, ये कट के आया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत खराब है सर, तीन केस चल रहे हैं मेरे ऊपर 2 साल में। ये है हमारे गार्ड डॉग्स जो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करेंगे। एक अनजान लोगों के साथ घुल मिल गई है, और दूसरा ये हमारा गार्ड डॉग जो एक लड़की के चक्कर में, लेडी ओली के चक्कर में स्ट्रीट डॉग से कट के आया। क्या चाहिए? हाँ तो आप भैया के साथ जाके सो गया, तू भी है भैया, भैया को उठाओ चलो। तो ओला के सिर के अंदर एक छेद हो गया और दर्द हो रही है, और इससे ना खून निकल रहा है। Hi guys, welcome to new vlog of Namitology। और जैसे आप कल के व्लॉग में देख के आए हो, बब्जी की हो गई है घमासान लड़ाई। बब्जी के लगा हुआ मुंह पे काफी ज्यादा चोट, अब कुछ क्लॉट बन गया उसके ऊपर। अब ब्लड तो रुक गया, तो अभी हम बब्जी को लेके जा रहे हैं रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस टाइम तक बंद हो चुका है, तो हम प्राइवेट से लगवाएंगे। साथ में जोई की एक मेडिसिन बची हुई है, शायद कोरोना की है, और वो भी हम लगवाएंगे, तो दोनों को साथ लेके जा रहे हैं। लेडी ऑली है अपनी बालकनी के अंदर अपनी गार्ड ड्यूटी के ऊपर, ये पहना के लेके जाएंगे। मोर ओवर हमने चमेली को चेक किया, वो हम आपके सामने भी चेक करेंगे एक बार दोबारा कल मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि वो भाग गई है। चेक कर लिया, कोई चोट नहीं आई है, गॉड थैंक यू, ठीक है। तो बच गई है, उसको भी कहीं काटा वाटा नहीं है, बस यही कट के आया। जिसका खौफ सबसे ज्यादा वो कटा है। हाय मेरा बच्चा, मेरा लड़का। ऐसे तुम पूरे दुनिया में कांड करते फिरते हो, अब जब तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हें माँ चाहिए, हैं बब्बे? हाय मेरा बच्चा, इसको दर्द है अंदर। हाँ, इसको अभी वो लेके चलते हैं, इसकी आई पे लगेंगे, ठीक है। तो कांचा चीना बनना है तूने, है? आंख पे सच में लग गई है मेरा बब्बी का। शक्ल देखो कितनी इनोसेंट हो रही बब्बे। आज का दिन काफी हेक्टिक चल रहा है ना राहुल। हाँ। बेवजह के पंगे पड़ गए हैं। बेवजह का खर्चा भी है। खर्चा तो है बेवजह का, नो डाउट। बट ना अभी भी देखो, जैसे ये इनको समझ नहीं है ना बातों की, देखो अभी भी पंगे लेने के लिए पीछे भागने की कोशिश कर रही है कि मैं बब्जी से किसी तरह पंगे लूं। इसको ये नहीं पता इनोसेंट सोल को कि बाद में फिर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, खुद को भी दर्द होगी और हमको भी इसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे। मत जा बेटा पीछे, बब्जी कटवा के अपने आप को बैठा हुआ पीछे अभी भी। लेकिन ना कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, रस्ती जल गई पर बल नहीं गया, है ना राहुल? अभी भी ना बाहर लोगों के ऊपर बात कर रहा है, पंगे ले रहा है यार, वो उसका नेचर है। भाई रस्ती जल गई, बल नहीं गया। इगोइस्टिक मेल, मेल इगो है इसमें। आज जो कुछ भी है बेटा ओली की वजह से। ओली पंगे बाज है। बब्बे बेटे बैठ जाओ टिक के, ठीक है ना, पंगे मत लो अब। और उस तरफ की खिड़की खुली हुई है, यहाँ क्यों खड़ा हुआ है तू? बैठ जा चल चुप करके। और यहाँ पहुँच गए पेट क्लिनिक, और बब्जी भाई साहब को अभी हमने गाड़ी में छोड़ दिया यहाँ पे पार्किंग में, सब सेफ सीन है, तो खिड़कियाँ खोल के पार्किंग में छोड़ दिया। और जोई को पकड़ लिया पापा ने अपनी गोदी में, और जोई को लगना है आज एंटी रेबीज और कोरोना का लास्ट डोज। इसके बाद जोई कर पाएगी मिंगलिंग दूसरे डॉग्स के साथ। शैतान मैडम, पता नहीं बब्जी गाड़ी में क्या कर रहा है। मैं देखता हूँ एक बार। मैं ही देख के आती हूँ, तुम यहीं इसके साथ रहो, एक बार मैं बब्जी को देख कर आती हूँ। तो यहाँ मैं आई थी गाड़ी में चेक करने बब्जी को कि बब्जी क्या करे। बब्जी अपना चुपचाप टिका हुआ है, गर्मी लग रही है डेफिनेटली इसको, बट जोई और बब्जी को मैं एक ही टाइम पे हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए इसको गाड़ी में छोड़ा है। और एक बार जोई का हो जाएगा तो उसको गाड़ी में बिठा के फिर बब्जी का एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे। मेरा छोटा बच्चे को दर्द हुई, मेरे छोरे बाबा को, जो मेरे बच्ची। अब सुन, एक काम कर, इसको पकड़ ले तू, मैं उसको ले आता हूँ। उसको डिवॉर्मिंग की टैबलेट खिला रहे हैं, जहाँ आता है ना अपना जरूर सुसु करता है। अब चलो पापा जी को लेके चले अपने, फिर वहाँ देख रहे स्ट्रीट डॉग को, शर्म नहीं आती? अभी इतना बुरा कट के आया है, बेचारा बैठा, इसको कुछ ना कहे। चलो बब्बे राहुल, इसको बच्ची को साइड करो, रहे थे ले आओ, तुम खींच लो। चलो बब्बे, क्या बोला आपने? वो तेरी, ये कट के आया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत खराब है सर, तीन केस चल रहे हैं मेरे ऊपर 2 साल में। क्या बोली जा रहे हो, कुछ नहीं चल रहा। चलो अच्छा,
कैसे लगाओगे? और क्या मजाक समझ रहे हो आप? एक फेस मास्क दे दो मुझे। नीचे वो इसलिए बैठ गया राहुल, ही डजंट वांट टू गेट द इंजेक्शन। उसको समझ आ गई है कि तुम क्या कर रहे हो उसके साथ। बब्जी स्ट्रॉन्ग बन, चल खड़ा। नहीं रुक जा, आगे कौन है? दो से मुझे रुक। यहाँ इसको मजदूर बना रहे हैं। उठाओगे कि तुम? भैया का दावा है, लग भी क्या? बड़ी जल्दी लगा दिया यार। ये देखो, कुछ लगाना चाहिए? हाँ बंद लगा, देख लो। वो बच्चा भाग गया, लॉट वाइज इचिंग नहीं हो रही, आज काटा है ये काटा हुआ। हाँ स्ट्रीट डॉग से काट के। अभी पता चला आज इंजेक्शन लगा है वहाँ पे, दूसरे वाले बेड पे तो कितने तमाशे करता है ये, है ना? वो तो यार क्लिनिक भी तो छोटा है, क्लिनिक छोटा प्लस वहाँ का जो स्टाफ है ना वो डरता ज्यादा है इनसे, इन्होंने तो काफी समझदारी से लगा दिया। जो बच रही है ऊपर। अरे क्या अच्छा, इनकी दवाई बेस्ट होगी ना। वेरी गुड बॉय बब्बा। अभी एक फीमेल लेके आएंगे कल, रॉटवाइलर, उसकी वो भी लड़ी है, दोनों लड़े हैं। तो ओला को भी कटी है? कटी तो होगी 100%। तो अभी चेकअप करोगे फिर उसको? अभी रात को करूंगा, पर वो अभी हाथ में नहीं आएगी। हाँ सर अभी अभी कटी है, मैंने कहा लगा लो। आज तो बब्जी ने कोई भी नाटक नहीं किया। और एक फीमेल लौट रही है, इसकी वाइफ है ना? अच्छा हाँ। अभी इनके बच्चे होने वाले हैं दोबारा, पकड़। हाँ वो प्रेग्नेंट है, एक बार हो चुके हैं, एक बार और। अच्छा इससे प्लीज, हाँ इसको तो प्यार करना बहुत वो पड़ सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको कल एक फीमेल लाऊंगा, लेबरा उससे ज्यादा गुस्से वाली होती है, वो इतनी शरीफ है। तेरी वजह से हमारा 700 रुपए का नुकसान हो गया। नहीं मैम सिर्फ 300 एंटी बेबी का, ओके बाकी पिक्स की मेडिसिन। अरे नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इसको जैसे स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो एक बहुत है ना, कितने हैं? और बेचारी सीधी सी को पता नहीं कि बब्जी क्या इसके पकोड़े तल के खा जाएगा। बब्जी बब्बे आज बेचारा कटा है ना तो इसलिए शांत हो गई इसकी परिणीति। और यहाँ पे जोई को देखो सबके साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे यहीं की हो। देखो यहीं छोड़ जाए जोई, ये है हमारे गार्ड डॉग्स जो हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन करेंगे। एक अनजान लोगों के साथ घुल मिल गई है और कह रही है तुम जाओ भाड़ में, और दूसरा ये हमारा गार्ड डॉग जो एक लड़की के चक्कर में, लेडी ऑली के चक्कर में स्ट्रीट डॉग से कट के आया। ऐसे होगी हमारी प्रोटेक्शन राहुल? प्रोटेक्शन चेंज द डॉग। राहुल को खींच के ले जा रहे पब्जी। हम आ गए हैं बब्जी को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। आपने देख तो चुके होंगे इसकी लड़ाई हो गई थी स्ट्रीट डॉग से, और इसकी आंख पे वहाँ पे 3 बार काटा है। तो जब भी आपने डॉग को ट्रैवल करा के लेके आए, गाड़ी के अंदर हम सपोज इसको लेके आए हैं, तो उतरते ही सबसे पहले ना इनको फ्री कराइए जिसके अंदर ये सुसु करेंगे, और अगर इनके खाना खा के गए हैं तो टॉयलेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इनको घुमा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी टिप है, कोई भी पेट पेरेंट गाड़ी में लेके जाता है बीच में, अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया तो इट्स बेटर यू टेक आउट द पेट फ्रॉम द कार और उसको थोड़ी देर घुमाइए और दोबारा अपना ट्रैवल चालू कर सकते हैं। देखो ऊपर ओला कैसे खड़ी है देखने के लिए कि बब्जी कहाँ जा रहा है। ओला देखना कैसे खड़ी है, बब्जी जा रहा है और वो चली गई वहां देख रही, उसको पता चल गया ना बब्जी आ रहा है, इतनी देर से अकेले बैठी हुई है। ओले ओला ओला बैठ जा, आ रहा है बब्बा ऑल्टो। तो मैं यहाँ ऊपर आया था रात को इनको खाना देने, और आप जानते हैं आज दोपहर को क्या हुआ, तो मुझे बब्जी का तो पता चल गया कि उसको काटा है और उसका रेबीज का इंजेक्शन आपने देख भी चुके हैं, पर लेडी ऑली को अब मुझे पता चला कि इसको काफी चोट लगी है। ये देखो ओला, ये देख रहे हो आप इसका सिर देख रहे हो, ये देखो ये देखो। तो ओला के सिर के अंदर एक छेद हो गया और दर्द हो रही है इसे, और इससे ना खून निकल रहा है, ठीक है। और ये देखो इसकी आंख के अंदर भी आप देख रहे हो एक तरफ ज्यादा। ओला सिट बेटा, एडी ऑली नो बैठो,
नहीं बैठो, मैं खाना नहीं दूंगा, मैं पहले बता दूं, पहले मेरी बात सुनो। ओला ना दूर भाग रही है, ये बब्जी है। बब्बे बब्जी की भी आंख में लगा है, ये देखो। ओला सिट सिट। ओला की आपको आंख दिख रही होगी एक तरफ की, ये देखो इसके अंदर ना पानी आ रहा है। और यही प्रॉब्लम होती है कि जैसी आपकी नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब कल लेडी ओली को लेके जाएंगे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए, और शायद मैं इनको एक प्राइवेट क्लिनिक लेके जाऊंगा उसकी आंख भी चेक कराने के लिए। देखते हैं, आई ड्रॉप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब मैं इनको खाना दे रहा हूँ, ये इनका खाना आया हुआ है, ठीक है। बब्जी की भी आंख में काफी लगी है, तुम तो दोनों अपनी आंखें ही फुटवा के आए हो हैं। चलो। और ये है चमेली जिससे बब्जी और लेडी ओली की लड़ाई हुई थी, ठीक है। टच वुड, हमने पूरी बॉडी चेक कर ली है, कोई घाव नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। शेरनी निकली तो शेरनी है, लड़की आई है, ये देखो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। जा चली जा। तो ये चमेली इधर बैठती है आराम से अपनी तख्त पे। अभी दोनों मुस्टंडे गए हुए हैं पार्क के अंदर, है ना चमेली। कल सुबह मिलता है एक बार दोबारा, तेरी चेकिंग दोबारा होगी, ठीक है ना। ये तीसरी चेकिंग है, एक चेकिंग मैंने अभी दोबारा की है और एक मनीष करेगा कल तेरी, ठीक है। क्या चाहिए? हाँ तो आपने ही दिया ना उनको। दीदी नहीं दे रही ना, दीदी आपको नहीं दे रही ना आपका बाउल, है ना। क्यों नहीं दे रही सुन? हाँ उसकी आईज में नहीं नाड़ रहा। लो लो दीदी से लो अपना बाउल लो। पानी फिर पंगे ले रहा, बाउल लो, ये लो। फिर तो उसको दे रहा जान के। शिवाय उठो, चलो शिविया उठ जा। हैं क्या है? भैया को उठाओ, चलो भैया। भैया के साथ जाके सो गया तू भी, है भैया। भैया को उठाओ, चलो भैया। भैया भैया उठ जाओ। भैया निन्नी आंखें खोलो। भैया 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 के ऊपर नहीं चढ़ना जेजू, भैया गुस्सा आ जाएगा सुबह सुबह। हाँ चंपी कर दो भैया की, कर दो भैया की चंपी कर दो। वेरी गुड जोई, मार खानी है तूने। ये तेरे मतलब की चीज है, है? ये देखो इसका हाल क्या किया इसने। मार खानी है तूने? फाइनली भैया को उठा दिया जे ने। भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। ओ भैया के चेले, भैया देखो पैर मार रहे हैं कि मेरे पास मत आओ। वो जे कहाँ टिकने वाला है। कहाँ जा रहे हो पीछे? जोई कम, ये देखो ये देखो, आज इसकी शरारतें अलग ही चल रही है। छोड़े से छोड़ो लीव कर। भैया को क्या कर रहा है तू? पहले भैया को प्यार से उठा रहा है फिर नो। तुम इसकी मोटे चूहे से शिकायत क्यों नहीं लगा देते? मोटे चूहा आके ले जाएगा तुझे, को मोटे चूहे को दे दो, मोटे चूहे को दे दो, मोटे चूहे को। शिवाय क्या हुआ, नाराज हो गया कि पापा जी के साथ? शिवाय अजय पापा के पास आ जा, मैं नहीं कर रहा उसको जब भी नाराज हो। आ जा, ओवर पोसेसिव चाइल्ड। आ जा हमारे घर में तो ना यही चलता रहता है। रात को अगर मैं शिवाय को सुलाने बैठूं
तो जय कहेगा नहीं शिवाय को मत पकड़ो, मुझे पकड़ो, फिर शिवाय गुस्सा हो जाता है, फिर वो गुस्सा होके पापा के पास चला जाता है। यार ये तो ना जोई सुसु पॉटी काम कर दिया। दीदी मारो एक मारो थप्पड़, मारो जोई को एक थप्पड़। क्या किया तूने ये? नोमी दीदी को तो मारना भी नहीं आता। क्या चाहिए? क्या पता नहीं, दाई राम चाहिए इसे। जे क्या चाहिए? मम्मा चाहिए। मम्मा चाहिए? मम्मा तो बिल्कुल नहीं मिलती तेरे को, साले मेरे को तेरे को तू इतना गंदा लगता है ना। देखो पता नहीं कपड़े धो रहा है उसके अंदर। जे पोछा लगा दे बेटा, जा ये वॉशिंग मशीन है जो तू इसमें कपड़े डाल। ये देखो पोछा लगा है। कहा ये आइस बॉक्स कुछ सालों पहले शराब पीने के लिए इस्तेमाल होता था राहुल, और अब ये खिलौना बन के रह गया। हाउ लाइफ चेंजेस। कहा पार्टियां होती थी रोज, और कहा यहाँ रोज सिर्फ पार्टियां ही पार्टियां होती है। जोई यार ये जोई बहुत ज्यादा शैतान हो रही है ना, ये ना इन छोटे बच्चों के साथ रहती है ना शायद इसलिए ज्यादा शैतान हो रही है। क्या हुआ है? क्या कर रहे हो तुम दोनों हैं? पता नहीं क्या है, वो खाना खा रहे बैठ के किचन में ना, कटोरे लेके बैठ जाता है और जोई को कहता है खाना खा रहे। किचन में दोनों बैठे हुए हैं और जे जोई को खाना खिला दो, खाना खिला रहा है जे जो जोई को। क्या कर रहे हो दोनों? जे बेटा काटी खाएगी वो तेरी, देखियो काटी खाएगी, तेरे को डर नहीं लगता ना? कह रहे काटी खा। जे इधर देखो मम्मा को, गंदा राहुल ये किसी दिन पक्का कटेगा। तुम ना तैयारी कर लो रेबीज के इंजेक्शन खरीद, खाना दे दो जोई को। ये खाना है पजामी है, ये पानी पीना है। जोई पानी पीना है आपने? जे तेको सच में नहीं डर लगता ना अगर मैं तेको बब्जी के साथ छोड़ दूँ? तू तो बब्जी के साथ भी यही हरकतें करेगा है ना, देख लो कैसे बैठा है निडर लौंडा। ये पक्का ना मेरे को ऐसे लगता है जैसे राहुल का बचपन होगा है ना, राहुल भी ऐसे ही होगा बचपन में निडर। तुम ऐसे लड़ते हो और खेलते हो जैसे ना। ओए जोई क्या कर रही हो? उसके कपड़े छोड़। जोई काट लेगी तेरे को। हाँ काटी खाएगी तेरी, ये पगलेटा बच्चा, उसको कह रहे जान काटी खाई ना, दिखा। जे वैसे ना तू है क्रैक, मत कर बेटा पंगे। हाँ पंगे जे, तेरे मुंडन भी नहीं हुआ अभी, पंगे मत ले। तेरे को ना नानी के घर छोड़ के आऊ मैं, चल तू बहुत शैतान हो रहा है, इंजेक्शन लगेंगे आज तेरे। ओहो बहुत लड़ते हैं देखो, खुद दे रहा है उसको और फिर खुद ही कहेगा जे नो, चलो अब खुद ही खींचेगा। अच्छा ले लो ना वापिस। ओली कहाँ? ओली थोड़ी है, वो जोई है। बेटा तू पागल है, उसकी आंखों में मारता है वो, इंसान थोड़ी है, रोब जमा रहा है उस पे।